सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव, भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज वर्ष सप्तम को संस्कृत में पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 में हम लोग पढ़ेंगे आदर्शा दिनचर्या, और इसमें है, इस पाठ में आदर्शा दिनचर्या में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। वैसे तो लकार हमारे 10 होते हैं, पर 5 लकार जो है वो माननीय होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिरट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग इच्छा, प्रार्थना या चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रत्यय हैं इत, इताम, यो, इ, इतम, इत, इयम, यो, इव। अब पट धातु के विधिलिंग लकार के रूप देख ले और समझ भी ले। यहाँ देखेंगे हम लोग धातु पहले लग जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, पुरुष हमारे 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का कर्ता होता है स, तो, ते, सा, ते, ता। यहाँ पर जो है, यहाँ पट धातु लग गया, तो पट धातु इसके पहले लगा, इत के पहले, तो पठित हो गया, पठेताम, पठ पहले लग गया, और यहाँ पठेउ, यु। तो ऐसे ही अगर पठ है तो पठ, लिख है, वध है, हंस है, तो वदेत, वदेताम, वदेउ, लिखेत, लिखेताम, लिखेउ, ऐसे रूप चलेगा। और ये हम लोग समझ लिए कि सह, तौ, ते वह के लिए आता है पुल्लिंग में, और सा, ते, ता स्त्रीलिंग के लिए आता है वह में, वह के लिए। मध्यम पुरुष का करता है त्वम, युवाम, युयम। त्वम पठे, तुम, त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठितम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और युयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष का करता होता है अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ मैं, आवाम का अर्थ हुआ हम दोनों, और वयम का अर्थ हुआ हम सब। इयम, यु, इम, इसके प्रत्यय पट धातु इसके पहले लग गया। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए। फिर से इसको हम लोग देख लें, स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, या सा पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तो पठेताम या ते पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठे हो या ताह पठे हो, उन सबको पढ़ना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों के लिए। यहाँ भी स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों के लिए। त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठे, तुम सबको पढ़ना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों के लिए ये बात है। अहम पठे, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठे, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इस पाठ में और क्या पढ़ना है। वार्तालाप, बातचीत। वार्तालाप में अध्यापिका और छात्र, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। सभी छात्र अध्यापिका से बात करते हैं। वो छात्रा अद्य अहम आदर्शा दिनचर्या इति विषय किंचित कथितुम इच्छामि। अध्यापिका कह रही हैं छात्रों से कि ये बच्चों, आज हम आदर्श दिनचर्या के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। छात्र कह रहे हैं, वयम सावधान मन सा श्रणम, हम लोग सावधान मन से यानी कि ध्यानपूर्वक चुपचाप सुनेंगे, कहिए। ठीक है, अध्यापिका कहती है, यूयम प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मृत्वा मातरम पितरम च नमेत। तुम सबको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उठने के बाद ईश्वर को और माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। छात्रा, तत् महोदय, तब फिर और क्या करना चाहिए। अध्यापिका, ततः योयम उद्यानम गत्वा स्वल्प कालाय भ्रमणम कुर्यात योगाभ्यासम च आचरेत। यानी कि फिर तुम लोगों को क्या करना चाहिए, तब तुम लोगों को उद्यान में जाकर, बगीचे में जाकर थोड़े समय के लिए घूमना टहलना चाहिए, और फिर योग का अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। निशि, महोदय, किम योगाभ्यासम वृद्धैरपि करणीयम। निशि करे, क्या हे महोदया, क्या योग का अभ्यास बूढ़े लोगों को भी करना चाहिए।
योगा में अध्यापिका योगा व्यासम तु सर्वे रपि यथाशक्ति आचरणीय। मैडम कह रही अध्यापिका कह रही कि योग का अभ्यास तो सभी के लिए यथाशक्ति जिसकी जितनी क्षमता शरीर की है या जिसकी जितनी शक्ति है उसको अपनी शक्ति के अनुसार जरूर ही योग का अभ्यास करना चाहिए सभी को। ततः गृहम आगत्य तब घर आकर स्नानम कृत्वा प्रतिदिनम स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेत् जनः। फिर लोगों को क्या करना चाहिए, घर आकर स्नान करने के बाद प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। छात्रा स्नानम तु वयम प्रतिदिनमेव कुर्मः, स्नान तो हम लोग प्रतिदिन ही करते हैं, स्नान हम लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए। ततः छात्र प्रातरासम कृत्वा दुग्धम च पीत्वा विद्यालयम गच्छे, तब बच्चों को क्या करना चाहिए, दूध पीकर और फिर सुबह का नाश्ता करके और दूध पी के विद्यालय चले जाना चाहिए। मिशी एक लड़की है, दुग्धम तु मह्यम नैव रोचते महोदया। यहाँ मिशी कह रही कि हे अध्यापिका, दूध तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अध्यापिका तुभ्यम किम रोचते, तब तुमको क्या अच्छा लगता है। मिशी मह्यम बर्गर चाउमिन मोमो पिज्जा शीतपेयम इत्यादि रोचते, मुझे तो बर्गर चाउमिन मोमो पिज्जा शीतपेयम यानी कोल्ड ड्रिंक्स ये सब अच्छे लगते हैं। अध्यापिका एतानी वस्तूनि स्वास्थ्य अति हानि प्रदानी, अतः छात्र एतानी न खादित अपितु दुग्धम अम्बया पक्वम भोजनम च खादित। ये सब जो वस्तुएं हैं खाने वाले, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए हे छात्र इन सब चीज़ों को आप लोग नहीं खाइए और दूध पीजिए। माता के द्वारा बनाए हुए भोजन को खाना चाहिए, मम्मी जो खाना बनाती है उसी को खाना चाहिए क्योंकि वो साफ़ सुथरा और स्वच्छ ताज़ा होता है। ततः मध्यान्ह गृहम आगत्य भोजनम कृत्वा विश्रामम कुर्यात्, तब फिर दोपहर में घर आकर भोजन करके थोड़ा विश्राम करना चाहिए। छात्र विश्रामम कृत्वा छात्र विश्राम करके स्वगृह कार्यानि समापित, अपने घर के जो कार्य हैं उसको भी कर लेना चाहिए। ठीक है, ततः दुग्धम पीत्वा छात्र सायंकाले क्रीडितुम उद्यानम गच्छे, तब दूध पीकर छात्रों को शाम के समय खेलने के लिए उद्यान में बगीचे में जाना चाहिए। क्रीडित्वा गृहम आगत्य स्वाध्यायम कुर्यात्, और खेलने के बाद घर आकर उन लोगों को अपना पाठ याद करना चाहिए, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। निशिता महोदय किम समय कार्यम करना अनिवार्यम, क्या समय पर कार्य करना अनिवार्य है, निशिता पूछ रही हैं। अध्यापिका शोभनम तो प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अनुशासनम जीवन से सर्वेशु एवं क्षेत्रेषु अनिवार्यम, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्रों में अनिवार्य है। ठीक है, छात्र जीवने तु अस्य महात्म्य अधिकतर में ततः छात्र जीवने भावी जीवन से आधारशिला एवं। तो मैडम कह रही हैं कि छात्र जीवन में तो इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है, और क्योंकि छात्र जीवन जो है वो भावी जीवन आने वाले जीवन का आधार है। अपी च समय अति महत्वपूर्णम बहुत ही, और सभी के लिए भी समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। छात्रा सर्वमेव कार्यम जातम समय कुरु, छात्र समय रहते सभी कार्य को कर लेना चाहिए। अनुशासनबद्धम जीवनम प्रशंसनीयम बहुत ही, अनुशासनबद्ध जीवन प्रशंसनीय होता है। एवमेव छात्रा रात्रौ अपि स्वाध्यायम पाठम स्मरणम च कुरु, और इस प्रकार छात्रों को क्या करना चाहिए, रात्रि में अपने पाठ का अध्ययन करना चाहिए। तथा भोजनम खादित्वा, तब भोजन खा के किंचित मनोरंजनम च कृत्वा, भोजन खाने के बाद कुछ मनोरंजन करने के बाद छात्र रात्रौ 10 वादन पर्यंतम अवश्यमेव शयनाय गच्छे, छात्र को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को 10 बजे तक जरूर ही सोने चले जाना चाहिए। छात्रा उत्थाय, सभी छात्र उठकर धन्यवाद महोदया सर्वमेतत् अति ज्ञानवर्धकम आसीत, ये सब जो बातें थी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। मैडम को सभी बच्चे धन्यवाद देते हैं। वयम अवश्यमेव एता नियमान जीवने पालेयम, हम लोग इन सभी नियमों को जीवन में हमेशा पालेंगे,
अध्यापिका कहती है। अस्तु अधुना क्रीडा कालांश अस्ति, अब खेल का समय हो गया, अतः उद्यानम गत्वा सर्वे योयम क्रीडेत, इसलिए तुम लोग इस समय जाकर बगीचे में थोड़ा खेल लो। और ये सब जो शब्दार्थ है बच्चा लोग, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा और परियोजना कार्य हम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और फर्स्ट टर्म का आप लोग का सिलेबस समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों।